मसीह में आप सबको सलाम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे। आज हम राग करेंगे, इस राग का नाम है राग चक्रधर। तो राग चक्रधर का जो वादी सुर है वो मा है, समवादी सुर इसका सा है। गाने का वक्त जो है इसका रात का दूसरा पहर है। तो जाति जो है इस राग की वो शाड़व शाड़व है, यानी कि रो में भी 6 सुर हैं, अवरोह में भी 6 सुर हैं। ठाड़ जो है इस राग की वो बिलावल है। आप लोग अपने मतलब साथ साथ लिख भी लें तो इसकी पकड़ भी मैं बताऊंगा, और साथ में इसका रो अवरोह और चलन जो है इस राग का वो आपको बता दूंगा। आप लोग लिख लें अपने पास और वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कर दिया करें ताकि किसी होर नूं भी पता लग जाए। ठीक है, तो कोशिश कर दिया करो कि अगे शेयर कर दिया करो। ठीक है, शुरू करते हैं हम इसका रो। इसमें जो वर्जित सुर है इस राग में वो पा है, पा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बकाया सभी सुर जो हैं वो शुद्ध हैं। अभी देखें अरो हो गया, अब रो भी ऐसे आएगा। तो ये था राग चक्रधर का अरो अबरो। अभी जो पकड़ है इसकी वो पकड़ से राग मुकम्मल होता है। ठीक है, पकड़ जो होती है राग की वो बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अभी पकड़ देख लें इसकी कैसी आएगी। सानी धाम गम धनी सानी धाम गम धाम गरी सानी सगम गरी। पीछे भी चले जाएं, पीछे भी कोई टेंशन नहीं, राग वही रहेगा। सानी आप सबको खुश रखें, वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कर दिया करें। और इसके बाद जो राग हम करेंगे वो राग होगा राग देवगिरी। ठीक है, वो भी एक बच्चे ने कहा था कि हमें वो भी राग बता दें, राग देवगिरी भी। ठीक है, तो वो अगला लेसन उसका होगा। खुदा आप सबको खुश रखे, वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कर दिया करें।